Hello my dear kids and parents, welcome to my channel My पाठशाला by नीतू निगम। आज हम आपके लिए क्लास 5th चैप्टर 5th कंप्यूटर से मोर ऑन एमएस वर्ड 2010 पर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप सीखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर, थ्रेशर, वर्ड काउंट, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड टूल्स, रिप्लेस टूल, बुलेट एंड नंबरिंग, हेडर एंड फुटर डालना एंड टैग सेलेक्टर। तो चलिए सबसे पहले हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शंस को देखते हैं। इसके लिए हमने पहले से कुछ ऑप्शंस लिख रखे हैं आपके लिए। देखिए ये हमारा रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी, जो कि कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हम जाते हैं रिव्यू ऑप्शन पर और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन को क्लिक करते हैं। रेड लाइन का मतलब होता है स्पेलिंग आपकी गलत है, और ग्रीन लाइन के लिए ग्रामर के लिए ग्रीन लाइन यूज होता है। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये सबसे पहले हमें सजेशन दिया जाता है। ये जहाँ भी हमारा कर्सर रहता है वहाँ से हमें सजेशन देते हैं। मान लीजिए कर्सर हमारा, एक मिनट, फिर से इसको हम ओपन कर लेते हैं, वापस ऊपर जाते हैं और कर्सर हमें यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब वापस स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पर क्लिक करते हैं और ये देखिए ये वीडियो जो है इसने स्पेलिंग सजेशन दिया है। यहाँ सजेशन ऑप्शन आपको शो हो रहा है, वीडियो, वैदी, वेदा, वर्दी। अगर इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से चेंज पर क्लिक करेंगे तो वीडियो की जगह पर जो भी और स्पेलिंग आप चेंज पर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये वैदिक ले लिया तो वो वीडियो से चेंज होकर वैदिक ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए यहां पे क्या हो गया, वीडियो से वैदिक हो गया। नेक्स्ट ये ओलंपियाड ओलंपियाड है, जिसमें ये सजेशन दे रहा है कि इसकी स्पेलिंग ये होती है। अगर आप इसे मानना चाहते हैं तो चेंज करके ओके कर देंगे, और अगर आपके अकॉर्डिंग स्पेलिंग सही है तो आप इसे इग्नोर वंस कर सकते हैं, यानी एक स्पेलिंग इग्नोर होगा और सारे स्पेलिंग को आपको इग्नोर करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो इग्नोर ऑल पर हम क्लिक करते जाएंगे और ये पूरे पेज को सेट करते हुए चेक करते जाएंगे। तो इस प्रकार तब तक हम इग्नोर ऑल करते जाएंगे जब तक कि अपने पेज पर स्पेलिंग इस प्रकार चेक न कर दें। लास्ट में इसके बाद ये ओके ऑप्शंस पर एक बॉक्स मिलती है और वहाँ पर ओके ऑप्शंस रहता है, वहाँ पर हम ये हो चुका है इग्नोर वंस वापस कर दिया हमने इग्नोर वंस, ये पूरा पेज कंप्लीट हो चुका है और आपको मैसेज आ जाता है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कम्प्लीट। यहाँ पर जाकर हम ओके कर देंगे और इस प्रकार आप देख पाते हैं स्क्रॉल बार से हम पेज को ऊपर करके आपको बता रहे हैं यहाँ पर कोई भी रेड या ग्रीन लाइन शो नहीं हो रही, क्योंकि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से हमने इसे इग्नोर कर दिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा थ्रेशर। थ्रेशर में किसी भी वर्ड के मीनिंग की सेम मीनिंग्स शो होती है। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई वर्ड है जिसको हम थ्रेशर देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम टोटल लिख रहे हैं, टोटल का थ्रेशर मीनिंग हमको देखना है तो ये थ्रेशर ऑप्शन है। कहाँ पर हम गए हैं बच्चों, रिव्यू एंड थ्रेशर। अब यहाँ पर टोटल हम लिख चुके हैं, देखिए ये आ चुका है और यहाँ पर टोटल का ऑप्शन जो है टोटल के अकॉर्डिंग ये बता रहा है फुल हो गया, ओवरऑल हो गया, टोटल मतलब कम्प्लीट हो गया, ये इसके इंटायर एडजेक्टिव्स हो जाते हैं और इस प्रकार ये टोटल का मतलब सम भी हो जाता है, नाउन के अकॉर्डिंग होल हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है, ये सारे इसमें थ्रेशर से रिलेटेड ये मीनिंग दिया जाता है, यही सेम वर्ड इसके निकाले जाते हैं। जैसे देखिए कैलकुलेट है, सम है, कंप्यूट है, टोटलाइज है, टोटल है, इस प्रकार इसके सेम वर्ड ढूंढने के लिए हम थ्रेशर कर सकते हैं और उससे ही मिलते जुलते वर्ड हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इस बॉक्स को हम क्लोज कर देते हैं और अब हम देखेंगे वर्ड काउंट ऑप्शन।
रिव्यू ऑप्शंस में ही हम वर्ड काउंट ऑप्शन पर आ चुके हैं। वर्ड काउंट ऑप्शंस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें हमने कितने पेज का मैटर लिखा हुआ है ये शो हो जाता है, कितने वर्ड्स हैं उसमें, कितने कैरेक्टर हैं विदाउट स्पेस और विथ स्पेस के साथ, कितने कैरेक्टर हैं, कितने पैराग्राफ लिखे गए हैं और कितने लाइन लिखे गए हैं। अब इसको हमने ओके कर दिया। देखिए यहाँ वन पेज पर ही हमारा मैटर लिखा गया है, कैरेक्टर नो स्पेस 5 है और विथ स्पेस 5 है और लाइन जो है इस प्रकार ये काउंट करके बता देता है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये अभी आपने देख लिया। अब हम देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस। किसी भी वर्ड को खोजना, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर लिख रखे हैं वहाँ से किसी भी वर्ड को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले उसको हम फाइंड कर सकते हैं, फिर उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं होम ऑप्शन पर। ये होम ऑप्शन पर हम क्लिक कर चुके हैं और यहाँ पर फाइंड पर जाएंगे। फाइंड पर जाने के बाद हम यहाँ पर कौन से वर्ड को ढूंढना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम कंप्यूटर वर्ड को ढूंढना चाहते हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर वर्ड करेंगे देखिए जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर यह हाईलाइट हो जाता है, इस पेज में इतनी जगह पर कंप्यूटर लिखा गया है। अब इसे हम चेंज करना चाहते हैं तो इससे नीचे हमारा आ जाता है रिप्लेस ऑप्शन। ये कंप्यूटर शब्द को हम किससे चेंज कर रहे हैं बच्चों, रिप्लेस विद, यहाँ हम कर देते हैं सिस्टम। कंप्यूटर शब्द को हम सिस्टम से रिप्लेस करते हैं। अब यदि हमें पेज के सारे कंप्यूटर वर्ड को एक साथ रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस ऑल करेंगे और पर्टिकुलर एक पैराग्राफ में एक ही वर्ड को हमें चेंज करना है तो सिर्फ हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। अभी मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देती हूँ। देखिए ये सारा जगह जहाँ जहाँ पे आपका कंप्यूटर शब्द था वहाँ पर देखिए ये आ गया है सिस्टम। तो ये रिप्लेस एंड फाइंड ऑप्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग हम देखने के लिए हम दूसरे पेज ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हमने कुछ लिख के रखा हुआ है। देखिए लिस्ट, अगर कोई चीज़ की हम लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पर हमें बुलेट या नंबरिंग करने की ज़रूरत होती है। हमने यहाँ पे फ्लावर लिख रखा है, इसकी हम बुलेट करने के लिए सबसे पहले हम माउस को ड्रैग करते हुए इसको सेलेक्ट करेंगे और होम पर ही हम यहाँ पैराग्राफ ऑप्शन में जाके, देखिए पैराग्राफ ऑप्शन है, यहाँ पर जाके हम क्लिक करते हैं और बुलेट ले सकते हैं। जो भी बुलेट हम लेना चाहें यहाँ से हम ये बुलेट पर क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको लिया, क्लिक कर दिए, ये ऑप्शन हमारा बुलेट में आ चुका है। लिस्ट बनाने के लिए जनरली हम बुलेट का उपयोग करते हैं। अगर हम अपने तरीके से नया बुलेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिंबल से लेकर हम बुलेट बना सकते हैं। ये स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे हम कर सकते हैं और अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर डिजाइन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, इसको ओके करके ले लेते हैं और फिर यहाँ पर भी हम ओके कर देते हैं। ये हमारा ओ लिखा हुआ आ चुका है। और बुलेट के बाद हम नंबरिंग को देखेंगे। ये हम लिस्ट में बुलेट भी लगाते हैं और फिर हम नंबर लगाते हैं। नंबर यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3, 4, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये 4, 6, 7 स्टाइल दिया गया है, रोमन में, ए बी सी डी में, 1, 2 में, जिसके अकॉर्डिंग हम लिखना चाहेंगे, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम बुलेट में भी और नंबरिंग में भी अपने अकॉर्डिंग अगर नंबर देना चाहते हैं तो न्यू नंबर फॉर्मेट लेके हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हेडर एंड फुटर। अगर हमें हेडर एंड फुटर डालना है तो सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट ऑप्शंस पर और यहाँ पर हम हेडर एंड फुटर ग्रुप है, ये हेडर एंड फुटर ग्रुप है, यहाँ से हम हेडर को क्लिक करते हैं। हेडर किस लिए यूज किया जाता है बच्चों, ऊपर की हेडिंग डालने के लिए। हेडर मीन्स हेडिंग। किसी भी बुक में आप देखते हैं ऊपर पर्टिकुलर हेडिंग डाली गई होती है या पिक्चर्स टूस लिए होते हैं, तो हेडिंग डालने के लिए हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार के बॉक्स हाईलाइट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम कंप्यूटर नाम दे देते हैं, कंप्यूटर क्लास सेट, मान लिए हमने ये हेडिंग डाल दिए है अपने हेडर
और आप फुटर में पेज नंबर डालना चाहते हैं, यहीं से हमारा गो टू फुटर आ जाता है। नेविगेशन ग्रुप में गो टू फुटर पर हम जाते हैं और यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं पेज नंबर, पेज नंबर वन। और फिर हम एस्केप की, कीबोर्ड में लेफ्ट कॉर्नर पर आपको मिलता है एस्केप की, ESC, इसको एस्केप की बोलते हैं, इसको हम प्रेस कर देंगे तो हम पेज पर वापस आ जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट में बच्चों हेडर एंड फुटर शो हो जाएगा। देखिए ये हमारा हेडर शो हो रहा है कंप्यूटर क्लास फिफ्थ, एंड फुटर भी हम देख लेते हैं। नीचे हम स्क्रॉल बार से आते हैं और ये हम फुटर देख रहे हैं पेज नंबर वन। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। आज के चैप्टर में आपने सीखा स्पेलिंग एंड ग्रामर, फ्रेशर, वर्ड काउंट, रिप्लेस एंड फाइन टोन्स, बुलेट एंड नंबरिंग डालना, हेडर एंड फुटर डालना और टैब सेलेक्ट करना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, एंड पेरेंट्स आप भी इस वीडियो को देखिए और घर बैठे अपने बच्चों को कंप्यूटर आप इजी वे में करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे वीडियो को कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कॉमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।